लीची एक ट्रॉपिकल अर्थात उष्णकटिबंधीय फल है। लीची का जन्म स्थान चाइना को माना जाता है, जहां गुआंगडोंग राज्य में हजारों साल पहले से लीची का उत्पादन किया जाता रहा है। भारत में लीची के उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है। आज से लगभग 6 साल पहले बिहार राज्य में कई बच्चों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। उस समय बिहार सरकार ने मौत की वजह का पता लगाने हेतु एक 2 सदस्यीय इंडो यूएस टीम गठित की थी। टीम ने पाया कि मौत का कारण एक टॉक्सिन मेथिलीन साइक्लोप्रोपिल ग्लाइसिन MCPG है, जिसे हाइपोग्लाइसिन ए के नाम से भी जाना जाता है, और यह टॉक्सिन लीची में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इस टीम ने बच्चों की मौत का कारण लीची को ही बताया था, किंतु यह आज भी विवादित है। यहाँ एक बात और उभर कर सामने आती है कि अगर लीची में जहर है तो लीची खाने वाले सभी लोग इसे खाकर मर क्यों नहीं जाते? आइए जरा इसकी पड़ताल करते हैं। असल में लीची में पाया जाने वाला यह टॉक्सिन MCPG शरीर में ग्लूकोज उत्पादन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है, जिस कारण से रक्त में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। जब शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो शरीर लिवर में संचित ग्लूकोज रिलीज कर देता है। लेकिन अगर बच्चा पहले से ही कुपोषित है और वह भूखे पेट है तो लिवर शरीर को अतिरिक्त आवश्यक ग्लूकोज नहीं प्रदान कर पाता है, और जिस कारण स्थिति घातक साबित होती है, और ग्लूकोज के अभाव में सही समय पर इलाज न होने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अधपकी और कच्ची लीची खाने पर यह और भी ज्यादा घातक साबित होती है। अतः सामान्य व्यक्ति के लिए लीची घातक नहीं है, किंतु अपने देश के हालात ऐसे हैं कि देश की एक बहुत बड़ी संख्या कुपोषित है और समय पर इलाज की सुविधाएं भी नहीं है, जो कि मृत्यु का प्रमुख कारण है। हाल ही में मुजफ्फरपुर में मरे 100 से भी ज्यादा बच्चों को बचाया जा सकता था, लेकिन खस्ता हाल स्वास्थ्य सुविधा व कुपोषण उनके लिए मौत का कारण साबित हुआ। और क्योंकि मरने वाले बच्चे गरीबों के थे, तो भला किसी को फर्क भी क्या पड़ता है।